की शान है प्यारे, ये अल्लाह वालों की शान है। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत के उलूम के वारिस नबीर हुज्जतुल इस्लाम जानशीने मुफ्ती आजम आलम शहजादे हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद हुजूर फखर अजहर हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खां कादरी हुजूर ताजु शरिया, शान देखे मेरे मुर्शिद की, अल्लाह अकबर कबीरा, वली का पावर देखें आप। सरकार हुजूर ताजु शरिया पहुंचे आसनसोल, ये आसनसोल कहां है? झारखंड के करीब है, बंगाल में, बंगाल में है आसनसोल। और वहां पर 3 किलोमीटर दूर पर है इमाम अहमद रजा रोड, तो वहां एक मजदूर बुजुर्ग रहते थे और वहीं जहां उनका कयाम था वहीं जलसा होना था और हुजूर ताजुल शरिया की आमद होने वाली थी। जलसे से 2 दिन कबल वो मजदूर बुजुर्ग का विसाल हो गया। जैसे ही मजदूर बुजुर्ग का विसाल रूह जिस्म से परवाज हुई तो पूरा जिस्म आपका गठरी बन गया, पूरा जिस्म गठरी बन गया, जिस्म के आजू ऐंठ गए। अब 2 दिन तक सारे ओलमा पूरी तजवीज निकालते रहे कि जिस्म के आजा कैसे सीधे होंगे, तभी कफन होगा, गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी। 2 दिन तक सारे के सारे लोग परेशान। अब 2 दिन के बाद हुजूर ताजुल शरिया आने वाले हैं, मुर्शिद बरहक आने वाले हैं। जब हुजूर ताजुल शरिया की आमद हुई तो इलाके के कुर्ब जवार के अतराफ के उलमा हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज करते, हुजूर यहां एक मजदूर बुजुर्ग रहते थे और अभी 2 दिन पहले उनके जिस्म से रूह परवास करके उनका इंतकाल हो गया है और ये हालात हो गए हैं, ये मामलात हैं, हुजूर नमाज जनाजा कैसे हो, गुस्ल कैसे हो? तो हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, चलो मैं खुद चलता हूं। अल्लाह अकबर, निगाह वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही हैं, वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही हैं, जो इनके मुंह से निकले आयन फरमाने इलाही है। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते, चलो मैं खुद चलता हूं। और जैसे ही हुजूर ताजुल शरिया पहुंचे तो एक हुजूम था, अजम गफीर था, हजारों लाखों का मजमा था, अल्लाह अकबर कबीरा। और आप गए जनाजे के करीब और आपने मजदूर बुजुर्ग के दाएं कान में जरा सी अल्लाह अकबर जुम्बिश की, एक लफ्ज बोला और सारे आजा सीधे हो गए। अब सारे के सारे लोग हुजूर ताजुल शरिया के कदमों पर गिर गए। हुजूर आपने कहा क्या, हुजूर आपने किया क्या? 2 दिन तक हम लोग परेशान रहे, सारी तजवीजें सारी तरकीबें फेल हो गई, लेकिन आजा सीधे नहीं हुए। हुजूर आपने कहा क्या, हुजूर आपने कहा क्या? जो सारे आजा सीधे हो गए तो हुजूर ताजुल शरिया ने एक ही जुमला फरमाया, अल्लाह अकबर। एक ही जुमला भारी हो अगर नियत अच्छी हो, दिल अच्छा हो, अल्लाह उसी की लाज रख लेता है नियत को देखकर, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते, मैंने इतना कहा मजदूर बुजुर्ग के दाएं कान में कि देखो अख्तर रजा आ गया है और अख्तर रजा ही नमाज जनाजा पढ़ा के जाएगा। इतना कहना था कि सारे आजा सीधे हो गए। उसके बाद हुजूर ताजुल शरिया ने गुस्ल दिया और हुजूर ताजुल शरिया ने ही नमाज जनाजा पढ़ाया। ये औलिया अल्लाह का पावर है प्यारे, ये बुजुर्गान दीन का पावर है, सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, लहत में इश्क रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी राह सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।